सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है मनीषा बजवाल और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड की इन खूबसूरत सी वादियों से। अभी सुबह के करीब 8:30 होने को हैं और आज गांव की सभी महिलाओं की तैयारी हो रही है बाबा तुंगनाथ जी के मंदिर में जाने की, क्योंकि आज जो है तृतीया केदार भगवान तुंगनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं। तो सभी जितने भी भक्तजन हैं सभी बाबा जी की डोली के साथ ऊपर तुंगनाथ मंदिर के लिए रास्ता लग गए हैं। और अभी आज के ब्लॉग की शुरुआत चोपता से हो रही है, तो चलिए चलते हैं और साथ में आप लोगों को ये खूबसूरत से नज़ारे भी दिखाते हैं। तो चलिए जी, अभी हम लोगों ने चोपता से पैदल रूट तय करना शुरू कर लिया है और चोपता से आगे कुछ दूरी तक आप लोगों को रास्ते के दोनों तरफ घने जंगल देखने को मिलेंगे और इनमें जो है बांज और बुरांस के खूबसूरत पेड़ आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। जी अभी हम लोग भी डोली के साथ साथ ऊपर को रास्ता लग गए हैं और डोली का जो है लगभग 8 बजे का समय रहता है चोपता से ऊपर के लिए रवाना होने का। तो हम लोग थोड़ा लेट हो गए थे वैसे तो, लेकिन अभी हम लोग भी जो है डोली के साथ चल रहे हैं। वैसे तो कहने के लिए भगवान भोलेनाथ के करोड़ों लाखों करोड़ों भक्त हैं, लेकिन आज इस शुभ दिन पर भगवान भोलेनाथ की जो पैदल यात्रा है, जो कपाट खुलने की तिथि पर जो जा रही है, उसमें जाने का सौभाग्य किसी किसी को ही मिलता है। तो अभी वैसे मेन जो रास्ता है वो यहाँ से है और बाबा जी की डोली जो है जबकि इस साइड से जा रही है, क्योंकि ये जो रास्ते होते हैं ये बाबा जी के जो पौराणिक जो रास्ते होते हैं वो होते हैं जिनसे होकर अभी बाबा जी की डोली ऊपर को जा रही है। बाकी आप लोगों को यहाँ वाइट कलर के फूल दिखाई दे रहे होंगे, इनको धोला बुरांस कहते हैं हमारी गढ़वाली बोली में। अभी थोड़ा बहुत डोली ने विश्राम कर लिया है और सभी भक्तजनों के लिए यहाँ पे नाश्ते की व्यवस्था करी गई थी। और जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं थकान भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि रास्ते आप लोग देख सकते हैं काफ़ी चढ़ाई वाला शुरू हो गया है यहाँ से, और साथ में भीड़ देखिए। भोलेनाथ से निराला, शंभुनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला, दीनानाथ से निराला, और कोई नहीं, और कोई नहीं,
अरे कोई नहीं, अरे कोई नहीं, अरे कोई नहीं, अरे कोई नहीं। जब जब शिव का चलिए जी, सफर में आगे बढ़ते हुए अभी हम लोग पहुंच गए हैं दियो दखनी धार में, और यहां से जो है सीधे ऊपर मंदिर के दर्शन होते हैं। वैसे अभी मौसम क्लियर नहीं है, लेकिन यहां से मंदिर के दर्शन होते हैं, तो शायद इसीलिए पुराने लोगों ने इस जगह का नाम दियो दखनी धार रखा है। दियो दखनी धार से आगे बढ़ते हुए हम लोग रावणशिला के करीब पहुंच गए हैं, और आप लोगों को यहां से बुग्याली, पूरा बुग्याली एरिया देखने को मिल सकता है। और अगर आजकल आप लोग तुंगनाथ महादेव के दर्शन करने के लिए आते हैं, तो आप लोगों को इन बुग्यालों में खूबसूरत से छोटे छोटे फूल देखने को मिल सकते हैं। बाबा जी की डोली अभी रावणशिला से होते हुए आगे को बढ़ रही है। ऐसी मान्यता है कि इस छोटी सी पहाड़ी पर रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी थी, तो तब से इस शिला का नाम रावणशिला पड़ा है। एक तरफ सारे भक्त मेन रास्ते से जा रहे हैं, जबकि बाबा जी ऊपर रावणशिला से होते हुए आगे को बढ़ रहे हैं। जो लोग बाबा जी की डोली को कंधे में रखकर इस तरह से मंदिर तक पहुंचाते हैं, उन्हें डोलियोर बोलते हैं, और ये पूरी यात्रा नंगे पांव ही करते हैं। तो चलिए जी, अभी बाबा जी की डोली रावणशिला से होते हुए गणेशशिला के लिए जाने लग गई है। और यहाँ पर देखिए, सबसे आगे जो हमारे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र होते हैं ढोल और दमाऊ, तो ये रहते हैं।
बाकी यहाँ पर अभी पूजा थोड़ा परिक्रमा बाबा जी के द्वारा होगी। अगर आप लोग तृतीया केदार तुंगनाथ महादेव के दर्शन के लिए आते हैं और साथ में आप लोग चंद्रशिला का ट्रैक करते हैं तो ऊपर आप लोग अगर पूजा करना चाहते हैं तो इन बाबा जी से पूजा आप लोग करवा सकते हैं। जैसे जैसे आप लोग ऊपर पहाड़ी की तरफ पहुंचते हैं तो आप लोगों को इस तरह से पत्थर देखने को मिल सकते हैं और कहा जाता है कि ये मन्नत के पत्थर रहते हैं जो कि यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए भक्तों के द्वारा बनाए जाते हैं इस तरह से। तो चलिए जी आगे बढ़ते हुए सभी भक्तजनों के साथ अभी हम लोग भी लगभग 2 घंटे के पैदल यात्रा करने के बाद हम लोग पहुँच गए हैं बाबा तुंगनाथ जी के मंदिर के पास में ही। और यहाँ देखिए ऊपर मंदिर को काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया गया है और पीछे पीछे जो है भगवान जी की डोली भी आ रही है सारे भक्तजनों के साथ। पैठाना बैठी गे आज बाबा जी की डोली, वे ऊंचा कैलाशों वे ऊंचा कैलाश जाला गोरा संग बाबा गोरा संग बाबा सजण लाग्यू चे बाबा तेरु दर बारे वे ऊंचा कैलाश। तो चलिए जी अभी मैं भी पहुंच गई हूँ बाबा जी की डोली के साथ मंदिर प्रांगण में और यहाँ पे मंदिर को कितने अच्छे से सजाया गया है बाबा जी के स्वागत के लिए। और देखिए काफ़ी सारी भीड़ है जो कि बाबा जी के स्वागत के लिए आज आई हुई है। तो चलिए जी उत्तराखंड के पंच केदारों में से तृतीय केदार भगवान तुंगनाथ महादेव के दर्शन भी अच्छे से कर लिए हैं। बाकी तुंगनाथ महादेव जी का मंदिर सबसे ऊंचाई पर बना हुआ शिवालय है जो कि 12,075 फीट की ऊंचाई पर है। तुंगनाथ जिनके नाम में ही मतलब छिपा हुआ है, तुंग का अर्थ होता है शिखर जबकि नाथ का अर्थ होता है स्वामी यानी कि शिखर के स्वामी। बाकी यहाँ पर भगवान शिव के हृदय और भुजाओं की पूजा की जाती है। माना जाता है कि पांडवों ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इस मंदिर का निर्माण कराया था। हाँ हाँ मार सकते हैं।
ये हैं हमारी सासू जी जो कि गोपेश्वर में रहते हैं, तो इनके साथ पहली बार इस तरह से आना हुआ तो काफ़ी अच्छा लगा। बाकी एक प्यारा सा भजन इनके द्वारा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अरे कोई नहीं, अरे कोई नहीं, बोले नाथ से निराला, शंभो नाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला, दीना नाथ से निराला, अरे कोई नहीं, 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 अरे कोई नहीं। जब जब शिव का डमरू बोले, अगम निगम का भेद खोले, जब जब शिव का डमरू खोले, अगम निगम का भेद खोले, ओ ऐसे भेद बताने वाला कोई नहीं, ऐसा भेद बताने वाला कोई नहीं, भोले नाथ से निराला, शंभु नाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला, अरे कोई नहीं, अरे कोई नहीं, अरे कोई नहीं, अरे कोई नहीं, भोले नाथ से निराल, शंभु नाथ से निराल, अरे कोई नहीं। बोलो तुंगेश्वर महादेव की जय। तो चलिए जी, अभी दिन के करीब 12 बजने को हैं और हम लोगों की सभी की तैयारी हो गई है घर जाने की, क्योंकि मौसम भी थोड़ा बारिश वाला होने लग गया है। चारों तरफ जो है अंधेरे काले बादल लग गए हैं, तो हम लोग कुछ लोग दर्शन करके नीचे आपको जा रहे हैं और काफ़ी सारे लोग हैं जो कि अभी ऊपर चढ़ाई चढ़ रहे हैं। अभी एक घंटे का सफर तय करने के बाद अभी हम लोग ऊपर तुंगनाथ मंदिर से नीचे चुपता पहुंचने वाले हैं। लगभग एक घंटा हम लोगों को ऊपर से नीचे आने में लगा। बाकी अभी जो है सासू जी लोग भी हमारे साथ हैं, तो हम लोग सब घर के लिए साथ साथ ही आए। और यहाँ आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छे फूल खिले हुए थे कुछ दिनों पहले, जो कि आजकल सूख गए हैं।